हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की आपकी वर्कशीट आ गई है, वो है इंग्लिश की वर्कशीट और बाद में हम करेंगे सोशल साइंस की भी वर्कशीट। ये है वर्कशीट नंबर 26, ये 3 सितंबर की वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वर्कशीट को सर्कुलेट कीजिए, इन वीडियोज को सर्कुलेट कीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छे से ये कंटेंट, ये वर्कशीट जो है वो समझ आ जाए। तो जल्दी से देख लेते हैं आज की इंग्लिश की वर्कशीट में क्या है, उसके बाद हम करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट। जो हिस्ट्री की वर्कशीट है उसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। तो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट में क्या है, तो इंग्लिश की वर्कशीट जो है आपकी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज, क्योंकि ये है स्टोरीज के ऊपर, कहानियों के ऊपर। तो यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है कि आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज, तो आपको जरूर स्टोरी सुनना, कहानियां सुनना अच्छा लगता होगा। वो बहुत ही मजेदार होती हैं और अलग अलग तरह की स्टोरीज होती हैं, जैसे कि फोक टेल्स होती हैं, लोक कथाएं, गोस्ट स्टोरीज होती हैं, भूत की कथाएं, डरावनी कथाएं होती हैं, स्टोरीज विद फेरीज एंड विजर्ड्स होती हैं, ऐसी कहानियां जिसमें परियां हों और विजर्ड्स हों, और स्टोरीज विद चिल्ड्रन, बच्चों की स्टोरीज होती है, मैजिक की स्टोरीज होती है, गॉड्स और एलियन, भगवान की या एलियंस की स्टोरीज होती है, सुपर हीरोज की स्टोरी होती है। तो अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं, तो उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो साथ ही साथ वर्कशीट बनाने वाले कह रहे हैं कि द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेम्बर रीडिंग एज अ किड वॉज अबाउट अ टॉर्टस एंड अ रैबिट। तो टॉर्टस की, कछुए की और खरगोश की कहानी वॉज द फर्स्ट स्टोरी जो उन्हें याद है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, मुझे भी याद है ये। मुझे लगता है ऐसी कहानी है जो हर बच्चे को इंडिया में सुनाई जाती है। तो अब यहीं पे पूछा गया है आपसे, डू यू रिमेम्बर एनी स्टोरी यू रेड और हर्ड वेन यू वर अ किड। तो क्या आपको कोई स्टोरी याद है जो आपने सुनी है जब आप एक छोटे बच्चे थे, तो आपने सुनी हो या आपने कहीं से पढ़ी हो, ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको याद है। तो यहाँ पर तो लिखने का, आंसर लिखने का तो नहीं कहा गया है आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो जरूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी स्टोरी याद है जो आपने बचपन में सुनी या पढ़ी हो। आगे देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है। इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है, क्योंकि एक बार ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई तो कोई भी स्टोरी को, आप किसी भी कहानी को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप और अपनी कहानियां लिख भी सकते हैं। तो आज की जो ये वर्कशीट है उसमें आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। तो एक स्टोरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ये जानना, क्योंकि इसके ही थ्रू आप स्टोरीज, आप कहानियां जो हैं वो लिख पाएंगे। तो स्टोरीज के क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं 4 एलिमेंट्स। तो सबसे पहला एलिमेंट है कैरेक्टर्स। तो स्टोरी के कैरेक्टर्स क्या हैं, आप जब मैं कहानी की बात कर रही हूँ, मैं स्टोरी की बात कर रही हूँ, तो आप कहानियों के साथ साथ आप कोई मूवी भी सोच सकते हैं। तो उसमें मूवीज में भी एक कहानी ही आपको बताई जाती है, बस बताने का मीडियम थोड़ा अलग है। तो स्टोरीज, अगर लिटरेचर की स्टोरीज बोले तो वो लिखी होती हैं या आपको बोलकर सुनाई जाती हैं, वहीं मूवीज में उसे विजुअली दिखाया जाता है। तो लेकिन अगर आपको स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में, कहानियों के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना है एलिमेंट्स, तो आप कोई किसी भी मूवी का एग्जाम्पल लेकर, फिल्म का एग्जाम्पल लेकर आप ये समझ सकते हैं। तो कोई भी कहानी, चाहे वो कोई कहानी हो या कोई मूवी हो, उसमें कैरेक्टर जरूर होंगे। तो कैरेक्टर्स कौन होते हैं, वो होते हैं द पीपल, एनिमल्स और क्रीचर्स इन द स्टोरी। तो स्टोरी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन क्रीचर हैं, किनके बारे में कहानी लिखी गई है, तो वो सभी जो हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेन कैरेक्टर, मतलब कि कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं, और होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, कि कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि लेटेस्ट अभी कौन सी मूवी आई है, जरा उसके बारे में सोचिए, और फिर आप कमेंट सेक्शन में अगेन हमें बता सकते हैं कि उस लेटेस्ट मूवी में कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन मेन कैरेक्टर है, कौन सपोर्टिंग कैरेक्टर है, आप उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे ध्यान आ रही है अभी सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आई थी दिल बेचारा, तो उसमें कैरेक्टर जो है मेन कैरेक्टर, ऑफ कोर्स उसमें सुशांत का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है, मैंडी का कैरेक्टर, साथ ही साथ वो जो लड़की है संजना संघी, उसका मेन कैरेक्टर है, और जो बाकी उसके पेरेंट्स का रोल है, डॉक्टर का रोल है, और लोगों का, उसके फ्रेंड का जो रोल है, वो सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में आते हैं। तो इसी तरह से किसी कहानी में भी जो लोग होते हैं, एनिमल्स या क्रीचर होते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्टोरी का, वो है सेटिंग। तो
स्टोरी जो है, कहानी जो है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर हो रही है, कब हो रही है, तो वेयर एंड वेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, तो वो कहानी जो है कौन सी सिचुएशन है जहां पर वो हो रही है, वहां पर माहौल क्या है, वहां पर वेदर क्या है, वो जगह कैसी है, जगह का नाम कैसा है, या दिन का समय कौन सा है, रात की बात हो रही है या फिर दिन की बात हो रही है, तो सेटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो अगेन मैं अगर एक और मूवी का बात करूँ तो जैसे मूवी हो गई पद्मावत, अब ये मूवी कब हो रही है, कब इस मूवी का डिस्कशन हो रहा है, वो हो रहा है बहुत ही मतलब हिस्ट्री के टाइम पे, तो अभी लेटेस्ट मूवी उस तरह से नहीं है, वो कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात नहीं कर रही है, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रही है जहां पर बहुत पहले एक राजा और रानी रहा करते थे, तो वो जो है वेन की बात कर रहे हैं, तो ये कब हुई वो कहानी, वेन की बात कर रहे हैं, तो वो एक सेटिंग है, वो हिस्टोरिकल सेटिंग है, कहाँ पर हो रही है, तो अगर वो राजस्थान के एरिया में या वेस्ट इंडिया के एरिया में हो रही है या उसमें दिल्ली सल्तनत दिखाया गया है तो वो वेयर वेयर की बात हो रही है, साथ ही साथ के समय में हो रही है, तो वो ईयर जो है, वो साल जो है, उसकी बात पूरी हो रही है, उसमें होली के भी सीन्स है, उसमें दिवाली के भी सीन्स है, तो इन पता चलता है कि किन किन महीनों में उस स्टोरी में बात हो रही है, तो ये सब जो है वो सेटिंग में आता है। फिर आ जाता है तीसरा एलिमेंट आपका प्रॉब्लम। अब हर एक कहानी में कोई ना कोई झोल जरूर होता है, कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है, तो वही जो है वो आपकी कहानी की प्रॉब्लम है। कोई भी अगर मूवी आप देखेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर ही होगी जिसके ऊपर इश्यू कोई ना कोई खड़ा होता है, तो वो जो है, तो प्रॉब्लम इज अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस, तो जो भी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज आया है जिसकी वजह से कहानी में जो है ट्विस्ट आ गया है, तो वो जो है वो प्रॉब्लम में लिखा जाता है। वहीं आप देखेंगी हर कहानी का एक सल्यूशन भी होता है, तो जो भी प्रॉब्लम है उस कहानी में उसका जरूर ही सल्यूशन निकलेगा, तो आप देखेंगे कोई भी अगर मूवी, आप पुरानी मूवी याद करें, कोई भी रोमांटिक मूवी है, एक लड़का है एक लड़की है, वो मिले और फिर उसमें प्रॉब्लम ये होगी, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि उन दोनों में से एक जो है वो दूसरे को नहीं चाहते हैं, या दोनों में से एक बीमार है, या उनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन जरूर निकलता है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हुई वो हम जो कहानी का एलिमेंट है सल्यूशन उससे पता करते हैं। तो इस तरह से ये जो चार जो है कहानी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब आपको यहाँ पर एक सैम्पल एक स्टोरी बताई हुई है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, और इस स्टोरी को पढ़कर आपको ये जो टेबल दी हुई है आपको ये टेबल भरनी है। तो इस टेबल में क्या है, कुछ नहीं है, बस ये जो अभी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं वो लिखे हुए हैं, वो इस स्टोरी में से आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखने हैं। बहुत ही सिंपल सा टास्क है ये, तो जल्दी से ये स्टोरी देख लेते हैं। तो स्टोरी है द क्रो एंड द पिक्चर, बहुत ही फेमस स्टोरी है, आपने भी शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अभी सुन लेते हैं। तो ये कहानी है एक कौवे की और एक मटके की, तो जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ ये स्टोरी। इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, तो आप देख सकते हैं सेटिंग यहाँ पर क्या है, बहुत ही गर्मी है, ड्राई वेदर है। व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक, अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिचर विद अ लिटिल वाटर इन इट, तो बहुत ही गर्मी थी और जो बर्ड्स थी पक्षी थे उनको बिल्कुल भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, ऐसा मौसम था। ऐसे मौसम में एक थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा जो है, उसे एक पिचर मिलता है, एक तरह से एक जग मिलता है, एक तरह से एक मटका टाइप मिलता है जिसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी है। बट द पिचर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक, एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड द क्रो कुड नॉट रीच द वॉटर। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है, प्रॉब्लम ये थी कि पानी तो है, प्यास बहुत लगी है, लेकिन जो पिचर जो है, जो जग जो है, वो बहुत ही ऊंचा है और साथ ही साथ उसकी जो गर्दन है, मतलब कि उसके जो ऊपर का हिस्सा है पिक्चर का, वो बहुत ही पतला है, उस वजह से जो क्रो है वो उसके अंदर घुस नहीं पा रहा है। एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड, उसने जितनी भी कोशिश करी कौवे ने, वो पानी की तरफ पहुंच नहीं पा रहा है। द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ ही मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट, वो बेचारे की इतनी बुरी हालत हो गई है कि उसे ऐसा लग रहा है वो तो प्यास से मर ही जाएगा। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है इस कहानी की। देन एन आइडिया केम टू हिम, पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स ही ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर वन बाय वन। तो देखिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ गया है,
कि उसको एकदम से आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कुछ छोटे छोटे पेबल्स उठाऊं और उन्हें जो है पिक्चर में एक एक करके डालूं, और फिर विद ईच पेबल द वॉटर रोज अ लिटिल हायर अंटिल एट लास्ट इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक। तो जैसे जैसे वो एक एक पेबल जो है, एक एक छोटा पत्थर जो है वहां पर पिक्चर में उस जग में डालता गया, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर उठ के आता गया। तो वो तब तक डालता गया जब तक कि पानी इतना नहीं आ गया ऊपर कि जितना वो आराम से उसे पी सके। तो यही थी आपकी कहानी। अब आपको जो है आइडेंटिफाई करने हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है कैरेक्टर कौन है। तो इस कहानी में कैरेक्टर एक ही है फिलहाल, तो वो है थर्स्टी क्रो। तो वो आप लिख सकते हैं, आप सिर्फ क्रो भी लिख सकते हैं, आप थर्स्टी क्रो भी लिख सकते हैं। जनरली ये थर्स्टी क्रो के तरह से फेमस होता है। अब कैरेक्टर जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसकी अलग अलग चीजें भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कैरेक्टर को बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप थर्स्टी क्रो भी लिख सकते हैं। अगला है, आपको अगला यहाँ पर लिखना है कि सेटिंग क्या है। तो सेटिंग है आपकी स्पेल ऑफ ड्राई वेदर। तो ये आपकी सेटिंग है कि ड्राई वेदर, आप सिर्फ ड्राई वेदर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपकी सेटिंग है। प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम और सोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर और लिखकर भी दे देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम यही है सिंपल सी, द क्रो इज थर्स्टी, उसको प्यास लगी है, उसे पिक्चर मिलता है लेकिन उसमें थोड़ा पानी है और वो पिक्चर जो है वो हाई है और उसकी नैरो नेक है। सोल्यूशन क्या है, ये आपका चौथा कैरेक्टर वो है, एलिमेंट है स्टोरी का। सोल्यूशन यही है कि क्रो ने, कौवे ने छोटे छोटे पेबल्स डाले, पत्थर डाले और उससे वाटर का जो है लेवल ऊपर उठ गया और वो पी पाया उस पानी को। तो ये सिंपल सी आपकी वर्कशीट थी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ आपकी सामाजिक विज्ञान इतिहास की जो वर्कशीट है उसकी तरफ मैं चलती हूँ। तो ये जो वर्कशीट है आपकी रशियन रेवोल्यूशन, उसी की कंटिन्यूएशन है ये वर्कशीट। तो पार्ट फोर है ये रशियन रेवोल्यूशन का, कार्यपत्रक नंबर 26। घबराइए नहीं, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट भी दिखाऊंगी, वहां पर हम इंग्लिश इंग्लिश में भी आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरुआत में थोड़े हिंदी में ये वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये आपके पार्ट का नाम है और ये हिस्ट्री की वर्कशीट है। तो कंटिन्यू करते हुए हमारा जो रशियन रेवोल्यूशन पे डिस्कशन चल रहा था उसी की कंटिन्यू करते हुए आगे बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन में। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद क्या हुआ वो आपको यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपको पता है कि अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई थी रशिया में, रूस में। तो संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई तथा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दे दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की पात्र बन गई। तो हुआ ये कि अक्टूबर 1917 में जब क्रांति आई तो उसके बाद ये हुआ कि संविधान की जो सभा बैठी और उसमें फिर जब चुनाव हुए, तो अभी तक जो हो रहा था कि लड़ाई हो रही थी कि हमें चुनाव करने चाहिए और फिर चुनाव हुए क्रांति के बाद, लेकिन हुआ ये कि बोल्शेविक जो थे, जो मेजोरिटी में बहुमत जो में जो लोग थे, मेजोरिटी जो लोग थे, उनको जब वोट हुआ, चुनाव हुआ, तो उन्हें बहुमत नहीं मिला, तो उन्हें मैक्सिमम वोट मेजोरिटी नहीं मिली। इसीलिए फिर लेनिन ने, लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा और मैं चाहता हूं कि बोल्शेविक जीते, तो इसलिए उन्होंने संविधान सभा ही भंग कर दी। उन्होंने वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी को ही डिसॉल्व कर दिया और उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि जो ये रूसी सोवियत कांग्रेस है उसी को पूरा रशिया में उसे संसद का, उसे गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया गया। उसमें फिर ये हुआ कि जो बोल्शेविक पार्टी थी वही एकमात्र राजनीतिक दल बच गई, वही एक एक इकलौती पॉलिटिकल पार्टी रह गई रूस में, और इसीलिए इसकी एक ही पार्टी थी तो उन्हें कोई चुनाव भी लड़ना नहीं था, बस वही एक पार्टी थी और कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। फिर क्या हुआ, फिर हुआ रूसी गृह युद्ध, रशियन सिविल वॉर। तो जमीनों के किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही, जो अधिकतर किसान ही थे, अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। तो उसके बाद फिर ये बात हुई कि जो लैंड है, जो जमीन है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, उसका बंटवारा किया जाएगा। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नोबल्स थे, सामंत जो थे, राजा जो थे और चर्च जो थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था, उनके पास बहुत भारी मात्रा में लैंड था, क्षेत्र था, तो जमीन थी।
अब ये हुआ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इस लैंड का, ये जो जमीन है इसका बंटवारा दोबारा से होगा और लोगों को भी, जो मजदूर हैं और किसान हैं, उन्हें भी जमीनें मिलेंगी और एक किसी मेजोरिटी के पास बहुत बड़ा लैंड का एरिया नहीं रहेगा, जमीन ज्यादा नहीं रहेगी, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उससे ये हुआ कि जो सिपाही थे रूस की सेना में, रशियन आर्मी में जो सिपाही थे, वो किसान ही थे, बहुत ज्यादा जो उसमें अधिकतर जो लोग थे वो किसान ही थे। तो जैसे ही पता चला कि किसान और मजदूरों को भी दोबारा से जमीनें मिलेंगी, तो वो भी अपने अपने घर, अपने अपने गांव लौटने लगे। तो जब वो घर लौटने लगे तो ऑब्वियसली रशियन आर्मी जो थी, वो सेना जो थी, वो भी टूटने लगी। फिर गैर बोल्शेविक समाजवादियों, जिन्हें ग्रीन भी कहा जाता था, तो ऐसे समाजवादी जो बोल्शेविक के सपोर्ट में नहीं थे, गैर बोल्शेविक थे वो, उदारवादियों, अगेन लिबरल्स जो थे, और राजशाही समर्थकों, तो जो नोबल्स जो थे उन्हें वाइट भी कहा जाता था, जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के समर्थन से और जापान के भी समर्थन से बोल्शेविकों, तो बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाता था, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो हुआ ये कि बोल्शेविक, जिन्हें रेड्स भी कहा जाता था, उनके अगेन जो है इन सब ने, गैर बोल्शेविक समाजवादियों, जिन्हें ग्रीन कहा जाता था, तो ग्रीन, वाइट और लिबरल, ये सब उदारवादी, ये जो सब मिलकर इन्होंने, इनके पास अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की बैकिंग थी, समर्थन था, तो इन्होंने जो है रेड्स के खिलाफ, बोल्शेविक्स के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो यही जो है वो रूसी गृह युद्ध कहलाया, रशियन सिविल वॉर कहलाई। सिविल वॉर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर लोग आपस में जब झगड़ने लगे और वो युद्ध बन जाए, तो उसे सिविल वॉर या गृह युद्ध कहा जाता है। तो वो फिर शुरू हो गया रशिया में, पूरे देश में मारकाट, अराजकता, लूटमार फैल गई, पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया, पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। तो हुआ ये कि जब सिविल वॉर फैल गई, तो सारे देश में मारकाट, अराजकता फैल गई। साथ ही साथ लेनिन ने बोला कि जो हम कोऑपरेटिव फार्मिंग यहाँ करते हैं, सामूहिक खेती जो करते हैं, और साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग है, उनका बहुत बड़े पैमाने पे नेशनलाइजेशन, लार्ज स्केल पे नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। और इससे क्या हुआ कि जो किसान और मजदूर थे वो बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने जो है क्रांति जो चल रही थी उसको फिर सपोर्ट किया। तो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, रेड्स के खिलाफ जो क्रांति चल रही थी, उसमें फिर उन्होंने किसानों और मजदूरों ने सपोर्ट किया। तो क्रांति के बाद बड़े कदम, तो इसके बाद जो रशियन रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, उसके बाद कौन से बड़े कदम उठाए गए, लेनिन ने कौन से कदम उठाए, तो क्या क्या हुआ? गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने और विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई। तो जो इकोनॉमी थी रशिया की, वो फॉल कर रही थी, बहुत ज्यादा गिर रही थी, तो उसको संभालने के लिए और डेवलपमेंट ताकि हो जाए, उसको एंश्योर करने के लिए बहुत ही लार्ज स्केल पर सेंट्रलाइज आर्थिक नीतियां बनाई गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई, प्लान्स बनाए गए, जिनमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाना सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। तो एक पॉलिसी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि आपका 5 ईयर प्लान बनाया गया। तो 5 ईयर के लिए ये प्लान किया गया कि अगले 5 सालों में हमें ये चीजें करनी है, अगले 5 सालों में हमें अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी हमें इतनी बढ़ानी है, हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है, तो ये सब जो है प्लान बनाए गए। विरोधियों को सख्ती से कुचल दिया गया, तो इन प्लान्स का या इन पॉलिसीज का कोई भी अगर ऑपोजिशन करता था तो उन्हें खत्म कर दिया जाता था। लॉ, इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो बहुत ही लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत फोकस हुआ। तो हमारी कंट्री में भी एक्चुअली ये हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान नहीं, 10 ईयर प्लान शुरू हुए थे, 5 ईयर भी शुरू हुए थे, फिर उसके बाद 10 ईयर्स भी शुरू हुए। और उसमें हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना फोकस ना होकर एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस हुआ था, और उसकी वजह से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा लेट आया। लेकिन रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हुआ, और इस वजह से जो आयरन के माइंस थी और जो ट्रांसपोर्ट था, मशीनरी उद्योग जो था, इंडस्ट्रीज जो था, उस पर बहुत फोकस किया गया। साथ ही साथ एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया। तो शिक्षा को सभी प्रकार के विकास का आधार मानते हुए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी बेहद ध्यान दिया गया। तो उन्होंने ये समझा, लेनिन ने ये समझा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एजुकेशन मिल गई तो डेवलपमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन से लेकर
हायर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा पर भी उन्होंने ध्यान दिया। लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने और अधिकारों व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। साथ ही साथ एजुकेशन जो थी वो कंपल्सरी कर दी गई। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के थ्रू लोगों को ये विचार जो थे लेनिन के वो पहुंच पा रहे थे शिक्षा के थ्रू। तो उन्होंने ये भी बताया, शिक्षा में जब आप स्कूल जाते हैं तो देखिए आपको भी बताया जाता है कि कंट्री में आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके कौन कौन से अधिकार हैं इस देश में। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि देश में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एज अ सिटीजन एज अ नागरिक आपका क्या क्या कर्तव्य है, तो ये सब आपको स्कूल में ही पता चलता है। तो इसी तरीके से लेनिन ने भी अपने विचारों को, सोशलिस्ट विचारों को उसने बच्चों तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी के लिए एजुकेशन शिक्षा जो है वो कंपल्सरी कर दी। मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो वर्कर्स थे जो मजदूर के उनके लिए घरों का आवास का उन्होंने अरेंजमेंट किया और जो विमेन थी उनके लिए क्रेशेज खोले गए। तो जो बच्चे थे उनको क्रेशेज में बालवाड़ी में रखा जाता था और साथ ही साथ महिलाओं को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि महिलाओं को जो है आदमियों के कंपैरिजन में कम वेतन मिलता था। काम वो ज्यादा करती थी लेकिन पैसे कम मिलते थे, कभी कभी आधे पैसे कम मिलते थे और कभी कभी बिल्कुल ही 3/4 गुना पैसे कम मिलते थे। तो अब जो है महिलाओं को समान वेतन इक्वल वेजेस की भी बातें की गई। फिर उसके बाद लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन ने और अधिक सख्ती से साम्यवादी विचारों को लागू किया। तो लेनिन के बाद जो आए शासन करने के लिए वो थे स्टालिन। तो उन्होंने और ज्यादा जो है इन पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया, सख्ती से लागू किया। 1927 के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकारों के बीच टकराव हुआ। अब 1927 में ये हुआ कि वहां पर फेमीन आ गया, अकाल पड़ गया, लोग जो है भूखे मरने लगे और उस सिचुएशन के बावजूद जो है जो कॉस्ट था वहां पर जो कीमतें थी चीजें खरीदने और बेचने की वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड थी, बहुत ज्यादा नियंत्रित थी। इस वजह से जो किसान थे वो बहुत ज्यादा सरकार से नाराज हो गए और उन दोनों के बीच में टकराव हो गया, उनमें लड़ाई हो गई। स्टालिन ने बड़े किसानों जिन्हें कुलक भी कहा जाता है उनसे जमीनें छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण करने के नाम पर जमीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि कोलखोज के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। अब यहाँ पे स्टालिन ने फिर क्या किया, उसने जो जो बड़े किसान थे जिनके अपने खेत थे और जहां पर मजदूरों को काम कराया जाता था तो उन्हें कुलक भी कहा जाता था, उनसे उसने जमीनें छीन ली और जो छोटे किसान थे उनसे भी उसने जमीनें इकट्ठा कर ली, छीन ली और इकट्ठा करके कम्युनिटी फार्मिंग सामूहिक कृषि उसने शुरू करी, ये कहकर कि उनका हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, उनको हम मॉडर्नाइज करेंगे, एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाएंगे, आधुनिकीकरण करेंगे हम उनका। लाखों लोग अकाल से मर गए और 20 लाख से अधिक लोग निर्वासन साइबेरिया में जेल में भेज दिए गए। तो इसका अगर कोई भी ऑपोजिशन करता था तो उसे साइबेरियन जेल में भेज दिया जाता था, जो 20 लाख से अधिक लोग थे और लाखों लोग जो है अकाल से फेमीन से मर गए। तो एक तरह से चारों ओर जो है हाहाकार मच चुका था। अब ये जो रशियन रेवोल्यूशन था उससे हुआ क्या, उससे उसका क्या प्रभाव हुआ रूसी क्रांति का, तो मेहनतकश लोगों द्वारा भी शासन किया जाता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया। तो हमें ये पता चला कि जो मेहनतकश लोग हैं किसान और मजदूर भी अगर साथ मिलकर आ जाएं तो वो भी शासन कर सकते हैं, हमें कोई बहुत जो है स्पेशल लोग बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर सब साथ मिलकर समझदारी से शासन करने की कोशिश करें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये रशियन रेवोल्यूशन ने इसका जो है हमें लाइव एग्जाम्पल दिया, प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली, तो सोवियत यूनियन जो था उससे जो है समाजवाद सोशलिज्म जो है वो पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड जो है वो अप्रूवल मिला, उसे वर्ल्ड वाइड उसको रिकग्निशन मिला। अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। तो अब सभी जो कंट्रीज थी वो ये डिस्कशन करने लगी कि हाँ हमें भी अपनी कंट्री को समाजवादी बनाना चाहिए, अपनी कंट्री को सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहिए, और एक तरह से वो एक ऑब्जेक्टिव एक उद्देश्य बन गया कंट्रीज के लिए कि हाँ हमें अब अपनी कंट्री को भी ऐसे करना चाहिए। समाजवाद के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद स्टालिनवाद ने नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया।
तो साथ ही साथ अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, समाजवाद को इम्प्लीमेंट कैसे करें, सोशलिज्म को लाएं कैसे, तो उसके लिए जो है मार्क्स जो थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने जो विचार दिए उनको उसको मार्क्सवाद कहा गया। लेनिन के जो विचार थे उसे लेनिनवाद कहा गया। स्टालिन के जो विचार थे उसे स्टालिनवाद कहा गया। तो उन सब ने भी कुछ सजेशन दिए, सोल्यूशन दिए, कुछ वेज बताई, तरीके बताए, जिनसे कि मार्ग दिखने लगा, आगे आपको रास्ता पता चलने लगा कि हाँ भाई ऐसे करके हम सोशलिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई है। तो हमारा जो देश है, इंडिया जो है, भारत जो है, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें भी इट इज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब आप वो पढ़ेंगे, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, तो उसमें भी समाजवाद लाने की बात कही गई है। तो अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ये क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के बाद रूस में गृह युद्ध होने के क्या कारण थे? तो क्या क्या रीजंस थे कि जब रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में सिविल वॉर हो गई थी? तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आंसर यहाँ पर दिखा देती हूँ। आंसर वन, ये थोड़ा सा लंबा आंसर है क्योंकि रीजंस कई थे और आपको वो सभी लिखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ऐसा है तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी फिर उसी तरीके का होगा। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में ये आंसर आपको दिखा दिया है, साथ ही साथ मैं अब आपको हिंदी में भी ये आंसर अब दिखा देती हूँ। तो हिंदी में भी आप इस आंसर को ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हिंदी में ये है आपका आंसर, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। है थोड़ा लंबा है, लेकिन ये जब क्वेश्चन की मांग ही ये है तो हम उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमारा है कि आप अच्छे से इस आंसर को लिखिए। तो ये इसका प्रश्न एक का उत्तर है। चलते हैं अब प्रश्न दो की तरफ। प्रश्न दो आपका कहता है, क्रांति के बाद अधिकतर किसान और मजदूर क्रांति के पक्षधर किन कारणों से बने? तो रेवोल्यूशन के बाद भी जो किसान और मजदूर थे वो किन कारणों से क्रांति में उन्होंने समर्थन दिया? तो इसका उत्तर जो है, जब मैं इंग्लिश की वर्कशीट आपको दिखाऊंगी उसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। चलते हैं आपके प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन कहता है कि अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने समाजवादी समाज की सफलता के लिए कौन कौन से उपाय किए? तो कौन कौन से ऐसे वो उपाय थे, सोल्यूशन थे, जो लेनिन ने सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए, समाजवादी समाज की सक्सेस के लिए उसने कौन कौन से उपाय किए? तो जल्दी से मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप ये सब यहाँ से लिख सकते हैं, बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियां और योजनाएं बनाई गई, जिसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो ये आप पूरा लिखेंगे। अगेन ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है उत्तर, लेकिन जो क्वेश्चन की नीड है तो उस हिसाब से ही आप आंसर लिखेंगे। तो ये जो है ये यहाँ से आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे शिक्षा को अनिवार्य किया और ये समान वेतन का प्रावधान किया। तो यहाँ तक जो है वो आप आंसर में लिखेंगे कि लेनिन ने क्या क्या उपाय किए। चलते हैं अब आपके आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न आपका कहता है, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों पर अपने विचार लिखिए। तो वर्ल्ड वाइड रूसी क्रांति का क्या प्रभाव रहा, वो आप यहाँ से लिखेंगे। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आपका प्रश्न चार का उत्तर है। तो अब मैं चलती हूँ आपको जो है आपकी इंग्लिश की जो वर्कशीट है एक बार वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, सिमिलर ही है, बस इंग्लिश में दी गई है। फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन वन पर। क्वेश्चन वन जो है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ सिविल वॉर इन रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। ऑलरेडी जब मैं हिंदी वर्कशीट डिस्कस कर रही थी मैं आपको यहाँ पर उसका आंसर दे चुकी हूँ। चलते हैं आपके क्वेश्चन टू पर। हाउ मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स बिकेम फेवरर ऑफ रेवोल्यूशन आफ्टर द रेवोल्यूशन, गिव रीजंस। तो किस तरह से वो क्रांति के समर्थक बने, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप इस प्रश्न का, क्वेश्चन टू का उत्तर अभी दे देती हूँ। तो प्रश्न टू का जो उत्तर है वो यही है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेक अप। ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑफकोर्स हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं वापस से जो है अब चलती हूँ आपके क्वेश्चन थ्री पर। तो क्वेश्चन थ्री आपका कहता है, विच वेज वर अडॉप्टेड बाय द लेनिन आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन फॉर द सक्सेस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो लेनिन ने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, डेवलपमेंट
हिंदी में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, अब इंग्लिश में भी ये कर लेते हैं। तो ये पूरा है आपका। उसके बाद प्राइमरी टू हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन वॉज टेकन विद डीप केयर, लेनिन मेड द एजुकेशन कंपल्सरी लिविंग क्वार्टर्स, और ये पूरा। तो लेनिन ने जो है ये पूरे सभी स्टेप्स उसने लिए ताकि जो है सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो सक्सेसफुल बन जाए। आप चाहें तो ये जो बीच की लाइंस हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं, उससे आपका आंसर बेटर ही होगा। लेकिन अगर आप छोटा लिखना चाहते हैं और सही आंसर लिखना चाहते हैं तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट योर थॉट्स अबाउट द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस क्या थे? वो ये थे। तो आप ये जो है आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 मत लिखिएगा, बस ये डिस्क्राइब तक, यहाँ तक लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए हमसे, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। उनको कोई डाउट है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर वो ये लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल तो वो इजिली कॉमेंट भी कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही अगली वर्कशीट आए तो आपको इमिडिएटली पता चल जाए। थैंक यू।